मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस. स्पेक्ट्रोस्कोपी के इसके पहले जो हमने लेक्चर देखा उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड वेवलेंथ वेव नंबर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया था. अब एक न्यू इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में फोर टाइप्स की एनर्जी होती है. फोर टाइप्स की एनर्जी जो होती है और उसके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं. जैसे सबसे पहले जो एक एनर्जी जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी या इसको हम ट्रांजिशन एनर्जी भी बोलते हैं. ये एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जब भी कभी कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है. तो ये इस तरीके का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एनर्जी जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इसके बाद दूसरी जो एनर्जी होती है वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी. सेकेंड एनर्जी इज वाइब्रेशनल एनर्जी. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो एटम्स लगे हुए होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इस टाइप से वाइब्रेट होते हैं. तो वाइब्रेट जब होते हैं तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है वो है वाइब्रेशनल एनर्जी. और ये वाइब्रेशनल एनर्जी मीन्स ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का एरिया है उसी में ये वाइब्रेशनल एनर्जी है. तो उससे यहां पर जो भी मॉलिक्यूल है उसमें टू एंड फ्रो मोशन होते हैं. इट डज नॉट चेंज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल में टू एंड फ्रो मोशन होते पर उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी चेंज नहीं होती है. तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है वो है वाइब्रेशनल एनर्जी. इसके बाद थर्ड एनर्जी है वो है रोटेशनल एनर्जी. मीन्स पूरे जो मॉलिक्यूल में इतनी अलग अलग तरीके की एनर्जी होती है और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. अब यहां पर हम ये देखते हैं कि इसमें जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है उसके परपेंडिकुलर में एक एक्सेस है और उसमें मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट हो रहा है. तो मॉलिक्यूल के रोटेशन के लिए ये जो आपको दिखाई है वाइब्रेशन एनर्जी के साथ फाइन फाइन आपको यहाँ पर ये लाइंस दिखाई दे रही है ये आपकी रोटेशनल एनर्जी को शो करती है. रोटेशन होता है इसमें और एक्सेस पर ये रोटेट होते हैं. इसके बाद फोर्थ जो एनर्जी है वो है ट्रांसलेशनल एनर्जी. ट्रांसलेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है. इस वजह से इसको किसी भी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा यदि हमको बनाना है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी से नहीं बनता है. इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है. इसमें जो भी एनर्जी जो भी एब्जॉर्प्शन होता है तो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें चेंज होती है. बट इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होने की वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा इसमें नहीं बनता है. तो हम ये इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है इट इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी. अब इसमें फिर हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या चारों के कंट्रीब्यूशन सेम होते होंगे. तो चारों के कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होते हैं. इसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का, इसके बाद है वाइब्रेशनल एनर्जी का, इसके बाद है रोटेशनल एनर्जी का और सबसे कम कंट्रीब्यूशन है ट्रांसलेशनल एनर्जी का. इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी को. तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी. और ये सारे एनर्जी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस को देख करके हम अलग अलग तरीके की
स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी हम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो ये एनर्जी हम यूवी रेडिएशन के थ्रू, जो हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का ही पूरी स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे और उसके बेस पर हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो हमारी आईआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईआर के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें जब हम आईआर रेडिएशन को भेजेंगे तो इसमें इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होने लगेगा, वाइब्रेशन होगा। उन वाइब्रेशन को देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अलग अलग रेडिएशन अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके के एक्शन होते हैं और उसके बेस पर हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम बहुत अच्छे से मैंने कॉम्पैक्ट में समराइज किया हुआ है और ये चीजें आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, किस तरीके का कौन सी रेडिएशन डालने से किस तरीके के स्पेक्ट्रा बनते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोवेव को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मैंने माइक्रोवेव को देखा था कि वो जनरली लॉन्गर वेवलेंथ की तरह पाता है। तो इसमें लॉन्गर वेवलेंथ है या फ्रिक्वेंसी कम है, उसमें मॉलिकुलर रोटेशन एंड टॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होकर के हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके रोटेशन को देख करके। नेक्स्ट इज इंफ्रारेड, यदि इंफ्रारेड रेडिएशन को किसी भी मॉलिक्यूल में पास कराते हैं तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाइब्रेशन के लिए। तो वाइब्रेशन जो होते हैं कि वाइब्रेशन हम दो प्रकार के अभी जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग होता है। स्ट्रेचिंग जो होता है जिसमें बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आते हैं और बेंडिंग जो होता है उसमें बॉन्ड एंगल में चेंजेस आते हैं। तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनके वाइब्रेशन को देख करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रावायलेट। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यदि हमने यहाँ पर इसकी किसी मॉलिक्यूल में पास की हो तो उसमें जनरली क्या होता है कि जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन्स लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ वो जंप करता है। तो जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर इसकी फर्स्ट शेल है, ये यहाँ से फर्स्ट शेल या सेकंड शेल या थर्ड शेल, तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ग्राउंड से फर्स्ट, ये इस तरीके से इसमें जंपिंग होती है, ट्रांजिशन होते हैं। तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इसके बाद यदि हम एक्सरेज को देखें तो एक्सरेज जो है वो यहाँ पर आई डाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल में अगर हम एक्सरेज भेजते हैं तो उसमें यहाँ पर उसके आयन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो आयोनाइजेशन के लिए एक्सरे रिस्पॉन्सिबल है। तो ये छोटा सा शॉर्ट में एक थोड़ा सा समराइज किया है कि कौन कौन से रेडिएशन भेज देने से मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस देख करके हम कैसे किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हम सारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कौन कौन से छोटे छोटे से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो किसी भी अननोन कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।